हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी ये ड्रेस बनाने वाले हैं। ये हमारे एक नंबर के काना है, एक नंबर को पहना के दिखा रही हूँ, बट सेम ड्रेस आप जीरो साइज को भी पहना सकते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में पीछे हमारे जीरो साइज के भी काना जी बैठे हुए हैं, तो जीरो साइज को भी बहुत ईजिली आ जाएगी, तो आसानी से आप बनाइए और पहनाइए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहां पर भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ से देखें, ये जो हमारी घेर है, अभी ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है तो हल्का सा हमारा हार्ड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए पीछे से पकड़ के इस तरह से पिन कर देंगे, तो ये दोनों हमारा सेट हो जाएगा आपस में। यहाँ पे आप पीछे वेलक्रो या चिटचैट बटन भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह से मैंने पिन कर दिया। हमारी जो ड्रेस है वो कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी सुंदर लग रही है। मैंने एक नंबर के काना को पहना के दिखा दिया आपको, बट सेम ड्रेस आप जीरो साइज को भी पहना पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ और देख लेते हैं हमने ये ड्रेस कैसे बनाई है काना जी के। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ पीसेस लिए हैं। अगर मैं आपको इनकी लंबाई और चौड़ाई बताऊं, और भी हमें ज़रूरत पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे ये देखें, ये 3.5 इंच लंबाई और चौड़ाई देखिए 2.5 इंच है। हमने 3.5 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई का ये पीस लिया है। हमें इसे स्टिच करना है, तो किस तरह से हम यहाँ पर इसे स्टिच करेंगे, देखिए ये एक पीस हमें लेना है, इसके ऊपर अपना दूसरा पीस रख के हम सिल देंगे। चलिए सिलती हूँ। ये देखिए, हमने इसे सिल दिया। अब हम इसे खोलेंगे और खोलने के बाद इस पर फिर से हम अपना ये पिंक वाला रख के सिल देंगे। तो एक बार हम ग्रीन, एक बार पिंक, इस तरह से इसे पूरा लंबा सा स्टिच करेंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए, मैंने इसे सिल दिया। ये कुछ मैंने पहले से सिल के रखा था और ये देखिए आपके सामने भी सिल दिया। अगर आप देखेंगे तो एक कलर का मैं आपको बताऊं, पिंक कलर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीस मैंने लगाया और 6 ही हमारा ये ग्रीन भी है। इधर देखिए, मैंने सिलाई लगाने के बाद प्रेस कर दिया है, इधर हमारा प्रेस नहीं है, तो चलिए इधर भी प्रेस कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। और देखिए, इधर प्रेस करने के बाद आप क्या करिएगा, इसे इस तरह से उल्टा करके और ऐसे भी मोड़ के एक बार प्रेस लगा लीजिएगा। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए, हमने इसे स्टिच कर दिया है। अब हमने यहाँ पे ये गोटा पट्टी वाली लेस ली है, हम इस पर लगाएंगे। देखिए, नीचे की साइड से लगाना है, ये जो हमारा फोल्डेड साइड है यहाँ से हम इसे सिलेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे सिल दिया है। अब हम इसे, ये देखिए, ये जो खुली हुई साइड है इधर से हम प्लेट बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें चौड़ी चौड़ी सी प्लेट बनानी है ऐसे। ये देखिए, ये ऐसे करके, ये इस तरह से, ये ऐसे थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी ही प्लेट बनाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे प्लेट बनाती हूँ, और आपको बना के भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनानी है। ये देखिए, हमने इतनी दूर सिला, सुई हमारी अंदर गई, लास्ट प्लेट हमारी जो स्टिच हुई सुई हमारी अंदर चली गई। पीछे से उठा के अगर खींचेंगे तो देखिए ये निकलेगा नहीं। अब हम यहाँ पे इसे मैं अपनी ये प्लेट भी सेट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, हल्का हल्का सा हमें मार्जिन लेते हुए अपना प्लेट डालना है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही गैप देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देंगे। ये देखें, ऐसे करके ये इस तरह से हमें फ्रिल बनानी है। ये देखिए, मैंने 4-5 फ्रिल बनाई है, अब इसे मैं सिल दूंगी। जरूरी नहीं है कि आप भी 4-5 प्लेट ही बना के सिलिए, आप 2-3 प्लेट बना के भी सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे सिल दिया, जो ही लास्ट प्लेट स्टिच हुई सुई हमारी अंदर चली गई। फिर हम यहाँ पे अपनी प्लेट बनाएंगे, ये इस तरह से पूरा अच्छे से अंदर डालते हुए हमें प्लेट बनानी है, गैप नहीं होना चाहिए हमारा ज़्यादा, हम छोटे काना के लिए बना रहे हैं। ये देखें, इस तरह से बहुत ईजिली बन के रेडी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती बनाने में। ये देखिए, ये मैंने सारी प्लेट बना दी है, अब इसे मैं सिल दूंगी। चलिए सिलती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए, हमने सिल दिया। सिलने के बाद ऊपर से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, नेफा अटैच करेंगे। तो नेफे के लिए हमें 2 इंच चौड़ाई का पीस चाहिए, तो ये हमारा 2 इंच से थोड़ा सा अधिक चौड़ा है, तो इसे हम कट कर लेंगे। हमें एग्जैक्ट अपना 2 इंच ही चौड़ाई चाहिए। ये देखिए, मैंने ले लिया है। अब हम इसे यहाँ से मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद एक बार और मोड़ना है, और पीछे की साइड से हम रख के
सिल देंगे ऐसे। चलिए यहाँ पे एक सिलाई लगाती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। यहाँ पे सिलाई लगाते वक्त अपनी सिलाई को लॉक जरूर करिए। ये देखिए पीछे की साइड से मैंने सिल दिया। और एक चीज़ और गाइज, मैं यहाँ पे आपको कमर का मेजरमेंट बताना, देखिए भूल गई हूँ। तो ये यहाँ से हमारी शुरू है कमर, ये पीछे वाला हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। ये देखिए ये हमारी 3 इंच के करीब है, 3 इंच से हमारा 1 पॉइंट अधिक है। तो देखिए हमने जो हमारा नेफे के लिए फैब्रिक लिया था उसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के बाकी का कट कर दिया है। अब हम इसे इस तरह से पलटेंगे। पलटने के बाद हमें यहाँ पे डोरी लेनी है, तो मैं यहाँ पे रेडीमेड डोरी यूज करूंगी। ये देखें ये हमने डोरी ली है, इसे हम कट कर लेते हैं। ये डोरी वगैरह आप मुझसे भी परचेज कर सकते हैं। आप मुझे 7237862439 7386 8624 पे व्हाट्सअप मैसेज करके कई सारी चीज़ें ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे इस तरह से मोड़ लिया। मोड़ने के बाद यहाँ डोरी रखेंगे और फिर हम इसे पलट के सिल देंगे। चलिए सिल लेती हूँ। सिलते वक्त अपनी सिलाई को लॉक जरूर करिए स्टार्टिंग और एंड में। और दूसरी चीज़, डोरी के ऊपर से सिलाई नहीं लगानी है हमें। चलिए सिल लेते हैं हम। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अभी हम क्या करेंगे, अपनी सिलाई के ऊपर से लेस भी अटैच करेंगे। और डोरी देखिए हमारी सरक रही है, तो जब ही हम पहले चोली बना लेते हैं फिर हम अपनी लेस अटैच करेंगे। चोली के लिए मैंने यहाँ पे 8 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई का ये पीस लिया है। इसे हम इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद एक दूसरे के ऊपर रख के सिलना है और यहाँ पे हमें अपनी लेस भी अटैच करनी है। तो आप चाहें तो इस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट सिलते वक्त ही लेस भी रख के स्टिच कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे सिल लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। बहुत सिंपल और आसान तरीके की ये ड्रेस है गाइस, और बहुत खूबसूरत लग। ये देखिए ये हमने सिल दिया। हम इसे इस तरह से ऐसे डबल करेंगे। डबल करने के बाद सेंटर से कट कर देंगे, और सेंटर से कट करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ी दूर तिरछी सी सिलाई लगा लेंगे। चलिए लगाती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना। ये देखिए हमने इसे सिल दिया है। अब यहाँ पे हम इसे इस तरह से रख के सिल लेंगे और इस पे अपनी लेस भी अटैच कर लेंगे, तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारी ड्रेस रेडी हो गई है। ये रहे हमारे 1 नंबर के काना, बट ये सेम ड्रेस आप 0 साइज को भी पहना पाएंगे। चलिए 0 साइज को भी ले लेती हूँ, फिर आपको पहना के दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस यहाँ पे जो ड्रेस है मैंने 0 साइज को पहना, सॉरी 1 नंबर के काना को पहना दी है। यहाँ पे देखिए 0 साइज के भी काना जी बैठे हुए हैं, तो 0 साइज को भी बहुत ईजिली आ जा रही है। तो एकदम सिंपल और आसान तरीके से बनाइए और अपने काना जी को पहनाइए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।